हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान। आज का दिन है बहुत ही खास, क्योंकि आज है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट पारी का पेपर पूरा हो चुका है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सूचना यह है कि कैसा पेपर आया है, क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस लेवल का क्वेश्चन रहे, ये सब डिस्कस करेंगे हम आने वाले पूरे सेशन में। इसलिए सेशन को एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए सभी लोग। क्या आपको साउंड एकदम ऑडिबल है भाई? वीडियो विजिबल है भाई? एकदम साउंड ऑडिबल है? एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। पिछली बार की तरह ही बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लास 24 अपने राजस्थान पे सबसे पहले। तो एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाए हुए क्वेश्चन से हमेशा आते हैं भाई। तो एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कीजिए, हम चलते हैं हमारे पेपर्स की तरफ। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? हाँ सर, वी आर रेडी। फटाफट 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 पहले 30 सेकंड में आप फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स के साथ में एक्टिव रहिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ से हम सॉल्व जरूर करेंगे भाई। आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो 9 से 10:30 के बीच में पेपर हुआ है, उस पेपर को अभी हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। फटाफट एक बार सभी लोग जुड़ जाए, 30 लोग से होते अपन सेशन को कर देते हैं अपना स्टार्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनिल सैनी। हम चलते हैं सर हमारे क्वेश्चंस पेपर्स की तरफ। आराम से आप देखिए, कोई आपको समस्या नहीं होगी, आंसर्स लगे हुए हैं और मैं भी आपको बता दूंगा सर। फर्स्ट प्रश्न ये है, एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से दो माह का कैलेंडर एक समान होता है? कौन से दो माह का कैलेंडर एक समान होता है? अप्रैल और नवंबर का जो होता है वो एक समान होता है भाई, अप्रैल और नवंबर का। आंसर्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल डिस्कस अबाउट इट भी, है ना? तो उसके लिए आप बिल्कुल भी ऐसे पैशनेट नहीं हो जाए बिल्कुल। सर इसका आंसर आएगा आपका अप्रैल और नवंबर, इन दोनों के कैलेंडर्स क्या होते हैं? एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी नेता नहीं कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता है? विपिन चंद्र पाल, इसका आंसर है सर विपिन चंद्र पाल। बिल्कुल, आप भी अपने अपने आंसर्स मैच करते रहिए भाई साथ साथ। उसके साथ में मैं शुरू करता हूं सर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन आगे, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? सर ये इसका राइट आंसर है आपका सर कोलकाता, इसका राइट आंसर है कोलकाता। देखो क्लास 24 आप लोग राजस्थान की टीम ने सबसे पहले पेपर विद आंसर आपके सामने लेकर के आए हैं। फटाफट एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए भाई फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ एक बार सभी लोग फटाफट से जुड़ जाए भाई। अनिल सैनी, ठीक है सर, आगे अपन बढ़ते हैं फिर से। सर गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील, गोविंद गिरी के नेतृत्व में सर गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बैसड़ा गांव, बैडसा गांव किस राज्य में है, किस राज्य में था, किस राज्य में था? सर राज्य के हिसाब से डूंगरपुर आंसर सही है इसका एकदम। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र किस बैसड़ा गांव किस राज्य में था? सर डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर कितना है भाई? डूंगरपुर, बोलो क्लियर है? हाँ सर। सर ये एक मैथ्स का बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है सर, ये अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखाता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा आपका। मैथ्स का एक ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर आपके सामने, मैं कहता हूं एक SSC लेवल का एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको जूम कर दूं अगर मैं आपके सामने, तो जूम करने के बाद में ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। इसमें जो हो रहा है वो रिपीटेशन हो रहा है, DCAB सर रिपीटेशन हो रहा है, DCAB। तो सर इसको ऐसा कुछ लिख दिया जाएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं सर, 0.DCAB। और सर जब आप इस पे बार भी लगेगा तो इसको सॉल्व करोगे तो DCAB/9, 9, 9 and 9। अब सर इसने आपको क्या कह रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 31/111। तो सर मैं क्या करता हूं ना, 31/1111 को गुणा कर देता हूं 9 से। तो सर ये मैंने 9 से गुणा कर दिया, 9 से अगर मैं गुणा कर दूं तो सर 9 से गुणा करने पर एक वैल्यू मर्ज हो जाती है आगे, उस वैल्यू के हिसाब से इसका आंसर आपको टिक करके देना है कि सर ये आंसर आपका आएगा, जो अभी मैं पूरा सॉल्व करके आपको बताता हूं आगे, ठीक है? सेशन के अंदर पूरा कंप्लीट सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सर एक क्वेश्चन रीजनिंग से बिलोंग करता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर अपन बात करें नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें,
सर मैंने आपको लास्ट टाइम ये सिखाया भी था कि किस टाइप के प्रश्न ज्यादा आने वाले हैं, उसी टाइप का एक और प्रश्न आपके सामने आ गया। हाँ भाई प्रियंका बेरवा हेलो, उसी टाइप का एक प्रश्न और रह गया कि 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस को पिघला करके 3 गोले बनाए थे। मैंने लास्ट टाइम क्लियर कहा था कि पिघलाने वाले क्वेश्चन के ऊपर स्पेशली आपको ध्यान रखना है, और वही प्रश्न फिर से वापस आया है। आप सभी लोगों को शायद याद होगा जिन्होंने इवेंट देखा होगा भाई, ठीक है। आंसर सारे मैं मैथ्स के अभी आपको वापस से पूरे कंफर्म करवा के देता हूं भाई। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित हैं? सर मीनाकारी। किससे हैं? मीनाकारी। देखो आपके भी आंसर एकदम प्रॉपर आ रहे होंगे, सेशन को लाइक और शेयर करते रहे। जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सामने होगा अब रीट, और रीट के लिए क्लास 24 अपना राजस्थान पे चल रहा है बहुत कुछ खास, ठीक है। तो सर फिर से अपन नेक्स्ट प्रश्न के आगे चलते हैं भाई। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर एबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा, बताइए सर इसका आंसर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ। इसका आंसर होगा सर विग्रहराज चतुर्थ। आंसर सारे मैं आपको कंफर्म करते जा रहा हूं एक एक करके, आप आराम से देखते रहिए अभी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में सर अपने फिर एक मैथ्स का प्रश्न है, वही सर घनाब के बारे में पूछा गया प्रश्न है। सर क्या सा प्रश्न पूछा है सर घनाब के बारे में, ये भी मैं अभी आपको सॉल्व करके पूरा बता देता हूँ। घनाब की विमा इतनी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घनाब का आयतन कितना होगा, ये आपको मैं पूरा कैसे भी करके दिखा देता हूँ भाई, ठीक है ना। उसमें आप टेंशन नहीं ले, आंसर अभी आपके सामने लिखे हुए। अभी अपन पहले अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सारे प्रश्न पूरे करते हैं, थ्योरेटिकल, फिर अपन न्यूमेरिक क्वेश्चंस पे भी आएंगे भाई। मैथ का एक अच्छा और प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1991 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्व कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है? तो सर आपको बताना है कौन सा संबंधित नहीं है, सॉरी। तो ये हो गया आरसी अग्रवाल। क्या हो गया भाई? आरसी अग्रवाल। एक बार सेशन को फटाफट सभी लोग शेयर करें भाई जल्दी से जल्दी, आपके सामने सारे सारे प्रश्न आ रहे हैं। जो पेपर देकर के आए वो भी अपना पेपर ओपन कर लें। सर इसके बाद में ये एक बहुत ही अच्छा और ब्रिलियंट प्रश्न था मैथ्स का, ईजी वे में आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सर 3 की घात कितना है? 2x माइनस कितना है? 10x 81 है, 3 की घात 4 लिखोगे तो 4 गुणा हो जाएगा पावर से, तो सर ये हो गया 8x और ये हो गया 12, ठीक है, बराबर है 1/9, तो 1/9 को 3 - 2 लिख सकते हो आप भाई। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो 3 की घात 10 - 22 हो गया है, और x भी है सर साथ में, और 3 की घात -2, तो सर यहाँ पे हो गया 10x, ये माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और -2 यानी कितना भैया 20, 10 से 10 काट दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है सर सी ऑप्शन, यानी 2 एकदम एक्यूरेट आंसर रहने वाला है भाई। बोलो क्लियर है मेरी बात? फिर से सर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। सर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फिर एक और आ गया है, देखो थोड़ा सा जूम ज्यादा हो गया, अभी एक बार समझ लेते हैं सर। सर औसत से एक प्रश्न आया आपके, सर माध्यक ये भी कह सकते हो और औसत से भी कह सकते हो, अभी मैं इसको करके दिखाता हूं मैं आपको, है ना, सामने के सामने। उसके बाद में सर एक और प्रश्न है आपके, बहुलक दिया हुआ है, बहुलक की वैल्यू मैंने बता रखा है सर इसी रीजन में सबसे ज्यादा बहुलक यही है, तो 60 से 65 के बीच में ही होने वाला है। कितना होने वाला है भाई? 60 से 65 के बीच में। उसके बाद अगर आप बात करो वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। किसको बनाया गया था भाई? हीरालाल शास्त्री को। एक बार फटाफट सभी लोग चैनल को लाइक और शेयर कर लेंगे अपने सेशन को, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट के साथ में अपनी भावनाएं भी व्यक्त आप साथ साथ करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर मैं बात करूं सर, तो इसका भी टिल नाउ हमारे पास आंसर नहीं है, ये अभी मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। सर पिछली बार सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था सर, ये पिछली बार जो ये प्रश्न था वो सेम टू सेम रिपीट हुआ था, इस बार भी सेम प्रश्न ही रिपीट हुआ है सर आपके। क्या बोला? एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की है सर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, इसके त्रिक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, समकोणीय है सर ये, कैसा है? समकोणीय। इसके आधार का व्यास इतना है, तो सर इस टाइप से एक प्रश्न बन के आया है आपके सामने समकोणीय पृष्ठ के बारे में, आधार का व्यास। इसका वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ में सर एक नीचे वाला पार्ट होता है एक ऊपर वाला पार्ट होता है, दोनों आंसर में भी करके बताया था आपको भाई, ठीक है ना। आप जुड़े रहे सर मैथ्स के क्वेश्चन के लिए, जब तक आप सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन पूरे कवर कर सकते हैं लाइए सर। एक और प्रश्न आपके सामने है सर, ये रसायन पढ़ते हैं अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये भी मैथ्स प्रश्न में भी करवाया था आपको। वंश भास्कर के लेखक हैं, आपको क्या बताया गया है? वंश भास्कर के लेखक हैं सर, वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। उसके बाद में फिर से बात करते हैं सर
विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म पर संसद में कब भाग लिया था? सर नवंबर 1893 में। कब भाग लिया था? नवंबर 1893 में। उसके बाद की बात करें 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? राजा मदन पाल। राजा मदन पाल, बोलो क्लियर दिख तो रहा है ना आपको, या थोड़ा सा और जूम इन कर दिया जाए इसको? हाँ सर क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है तो एक बार यस बोल दें और लाइक कर लें अपने सेशन को, सब्सक्राइब भी कर लें भाई सभी लोग चैनल को, ठीक है। उसके बाद में ऐसा है सर, निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारत है, मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारत है, सर आप इसका आंसर बताएंगे कि वैसे आप साइंस से बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 इसका सर आंसर है काबुली बाग मस्जिद, पंचमहल, ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है सर, ए और बी। जामा मस्जिद संभल और जामा मस्जिद हिसार, ये दोनों अलग अलग है सर। सर प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? कौन सी? हाँ राव मदन, आप भी आ गए, देखो राव मदन का नाम भी है, महाराजा मदन पाल भी आपके साथ आ गए। कौन सी थी राजधानी सर? मंडोर इसकी राजधानी थी। इसकी राजधानी क्या थी सर? मंडोर। बोलो क्लियर है भाई सभी को? हाँ सर एकदम सेशन हमारे समझ में आ रहा है, पूरी बात हमारी क्लियर हो रही है। फटाफट सेशन को लाइक करते रहे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए सर नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हिंद स्वराज के लेखक हैं कौन है? हिंद स्वराज के लेखक सर, हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। कौन है महात्मा गांधी? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। 22 में सी आप आंसर बता रहे हो सकता है अभी इसमें करेक्शन हो, अपन वापस से चेक कर लेते हैं भाई। हाँ 22 में एकदम एक ए आंसर है मनीष, एकदम सही कह रहे हैं आप। हाँ मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया भरतपुर के शासक को, किसको बनाया गया? भरतपुर के शासक को। सर उसके बाद अगर आप बात करें, ये अपने हिंदी वाले प्रश्न है सर, यहाँ पे हिंदी में निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? श्रीमान, श्रीमती, लोकेशना, लोकेशना, महात्मा। सर इसका आंसर है वैमस्य विधरणी। सर इसका आंसर क्या है? सभी शब्द जो शुद्ध हैं वो क्या है? वैमस्य विधरणी। बोलो क्लियर है? सुखप्रीत वेरी गुड मॉर्निंग भाई। हाँ फटाफट एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई, पिछली बार की तरह शानदार शानदार सेशन करेंगे अपन साथ साथ। आगे के पढ़ के पढ़ रहे हैं अपन, किस विकल्प में शब्द का सही सिंधी विच्छेद नहीं है? वो नहीं है सर किसमें? अभिषेक में नहीं है। किसमें नहीं है? अभिषेक में नहीं है। बोलो क्लियर है? आगे की बात फिर से चलते हैं, निम्न में से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? सो सर यह है करस्पोंडेंस यानी पत्राचार। ये क्या है सर? पत्राचार की बात अपन यहां पे कर रहे हैं। निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? किस में विलोम शब्द नहीं है सर? सर फर्स्ट उद्धत उग्र में नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सर हम लोग में नहीं हुआ है। किस में नहीं हुआ है? हम लोग में। एक बार आप देखते जाइए भाई, करण पारिक वेरी गुड मॉर्निंग भाई। आगे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन से एक बार आप आंसर्स देखते रहिए, फिर अभी आपके सामने आ रहे हैं प्रदीप सर जो आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन साथ में करवाने वाले हैं भाई, ठीक है ना। यहां से सर ज्योग्राफी के प्रश्न आप साथ साथ देखते रहिए और बाकी अभी मैं मैथ्स के सभी क्वेश्चंस आपको करवाता हूं भाई, ठीक है ना। लो बिल्कुल नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं क्लास 24 आप राजस्थान में। जैसे कि आपको सबसे पहले यहां पर जैसे ही सर ने यहां पर ओपन किया तो आपको दिखेगा एक छोटा सा क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बच्चों को काफ़ी बार मैं क्लासों में भी कहता था कि बेटा ध्यान रखना ये रामगढ़ शब्द बड़ा फेमस रहता है, रामगढ़ शब्द बड़ा फेमस रहता है, एग्जाम में आने के लिए बहुत उतारू रहता है ये रामगढ़, ठीक है। ये आ गया रामगढ़ विजधारी अभ्यारण्य, ये आ गया रामगढ़ विजधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विजधारी अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि मई 2022 में अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व पारित किया गया इसको, ये अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल खुद कह रहा है कि बूंदी जिले में। रामगढ़ विजधारी अभ्यारण्य बूंदी में, ऑब्वियसली आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। तो आपको पता है तो ये भी पता है कि रामगढ़ विजधारी अभ्यारण्य में जो टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया वो बूंदी में ही स्थापित किया गया। तो 37 में जो यहाँ पर आंसर लगने वाला है वो कौन सा आएगा? बूंदी आएगा बेटा। चलो मैं ज्योग्राफी के और भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से हल करवा देता हूँ। इसके लिए चलते हैं अपन यहाँ से और भी 37 के अलावा ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पर है डायरेक्ट आपका 43।
चलिए, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पर। एक अगला क्वेश्चन राजस्थान, देखिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान में, ये कल मैं जब रात को क्लास ले रहा था, आज मैं क्लास पढ़ा रहा था, उसी में ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने करवाया था। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में ताराबोलिक बालू का स्तूप, कल ही बताया है ताराबोलिक बालू का स्तूप, और इसका आंसर तो मैं सोचूंगा कि आपसे बेहतरीन और कौन जानता होगा। हाँ बिल्कुल बेटा सिया, सही कह रहे हो आप। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये कह रहे हैं कौन से क्षेत्रों में। तो देखो, पहली यहाँ पर लगा हुआ है मोहनगढ़। अगर मोहनगढ़ है तो साथ में अगर यहाँ पर पोखरण होता तो थोड़ा और अच्छा लगता, पोखरण होता तो यहाँ पर थोड़ा और अच्छा लगता। साथ में सूरतगढ़, गंगानगर, सरदारसर, चूरू और शेखावाटी क्षेत्र, तो ध्यान दीजिएगा सिवाना क्षेत्र और फलोदी क्षेत्र, मोहनगढ़ क्षेत्र और कोलायत क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आंसर आप लोगों को बताना था वो बताना था कि मोहनगढ़ क्षेत्र, जो कि पोखरण जैसलमेर में और सूरतगढ़ गंगानगर में ताराबोलिक बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ताराबोलिक की, मुख्य रूप से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इसके बारे में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन और कौन सा हो सकता है, तो देखो बात करें हम यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। मुझे ज्योग्राफी के अलावा कुछ नहीं आता, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बिल्कुल बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब मुझे दिखे तो सही ना, ज्योग्राफी आज कमी आई है क्या और क्या क्वेश्चन दिखते हैं बता दूंगा, अभी दिखा नहीं है, अभी तक कोई ढंग से क्वेश्चन आया नहीं नजरों में। हाँ आ गया ग्रुप बेटा, आ गया क्वेश्चन, देखो ये आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन आया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन है बैक टू बैक, दो क्वेश्चन है बैक टू बैक आपके यहाँ पर रिलेटेड ज्योग्राफी से। थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया है, थोड़ा कम करने दो। ये देखो, देखो बेटा, निम्न में से कौन सा जलवायु नहीं पाई जाती, निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, ये कह रहा है। जो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार 52 में दो, 52 नहीं बेटा, मैं चल रहा है 64 पे। एक बार सेशन को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दें। निम्न में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, देखो BWSW तो पाई जाती है कोपेन के अकॉर्डिंग, CWG भी कोपेन के अकॉर्डिंग पाई जाती है, AW भी पाई जाती है, पर ये यहाँ पर BSHW होना चाहिए था, पर इसने यहाँ पर क्या कर दिया, BSKW कर दिया इसने, तो ये नहीं पाई जाती बेटा। क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। देखो आप लोग खुद देखिएगा कि अगर अपन बात करें, ये तीनों चारों जो वर्गीकरण है ये किसके अनुसार है, ये कोपेन के अनुसार है बेटा, किसके अनुसार है, ये कोपेन के अनुसार है। तो हाँ बिल्कुल सही पहचान लिया शुभम नागर ने, बिल्कुल बिल्कुल शुभम आपने सही पहचाना, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी ना, ये के डाल दिया इसने बीच में, क्या डाल दिया यहाँ पर, के डालने से बीच में मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको भी बहुत अच्छे से दिख रहा होगा सामने, अगर इसी क्रम में चले तो जनगणना, देखो आपको पता है जनगणना के क्वेश्चन कंटिन्यू सारे एग्जामों में आ रहे हैं, फर्स्ट पेपर पहले वाले पेपर में आया फिर आया। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, बताओ। ये जनगणना का फिर से क्वेश्चन आया, अभी जो पिछला पेपर हुआ था उसमें शहरी और नगरीय पूछा था, आपको पता हो तो, ठीक है। और अब की बार पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, राजसमंद में, पाली में, डूंगरपुर में या प्रतापगढ़ में, अब बताओ। इसका आंसर भी अगर आप लोगों से कोई पूछे तो क्या आप लोग बता नहीं पाओगे, ये लो अनिल सैनी ने तो आंसर फटाफट से फेंका वहां से उठाकर, गुरुजी संभालो यहां पर किसी ने टिक नहीं लगा, मैं टिक लगाता हूं, शाबाश अनिल। बिल्कुल अनिल ने यहाँ पर डूंगरपुर आंसर दिया है कि सर डूंगरपुर ऑप्शन होना चाहिए, ये तो मैं आपसे ही पूछ लेता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, मुझे तो यहाँ टिक लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। बच्चे एक सर बहुत शानदार तरीके से खुद ही कर रहे हैं, गलत नहीं बताया बेटा, बिल्कुल गलत नहीं है, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल नहीं गलत नहीं है, डूंगरपुर में 100% गलत क्या बता दिया बताओ, बिल्कुल सही है, ये डूंगरपुर में है। ठीक है ये देखो, ये यहाँ पर राजस्थान में जलवायु नहीं पाई जाती, दोनों ही बिल्कुल सही है। चलिए अपना दिमाग मत लगाइएगा, जो चल रहे हैं बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, बिल्कुल ये देखो बच्चों ने तो यहाँ तक ही बता दिया कि कितनी है, तो बिल्कुल
तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामों में आएंगे तो मुझे नहीं लगता ज्योग्राफी में कोई मामला बिगाड़ने वाला आप लोगों का। दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। इसके अलावा चलते हैं ज्योग्राफी में और भी। ओ ये लो भैया, ये आ गई आपके यहाँ पर पशु संपदा की क्वेश्चन। राजस्थानी बच्चे पशु संपदा के क्वेश्चन देखकर बड़े खुश होते हैं। राजस्थानी बच्चे पशु संपदा का क्वेश्चन देखकर बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनको नॉलेज रहती है पशु संपदा की। राजस्थान की 2019 की 20वीं पशुगणना अनुसार भेड़ पाई जाती है अलवर, बाड़मेर, बीकानेर या गंगानगर, बताओ क्या होगा? बताओ कौन सा होगा? बताओ भाई कौन सा होगा फटाफट से। अब ये तो आपके ऊपर ही छोड़ दिया यार, क्योंकि आपको पता है कि अलवर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर, बात किसकी हो रही है? भेड़ों की। तो भेड़ों के लिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ये लो भाई, शुभम क्या बात है शुभम, ऐसा पेपर आता तो छोड़ के नहीं आने वाला था भाई, फोड़ गया है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बाड़मेर। तो बिल्कुल बच्चों आपको ऑब्वियसली पता है यहाँ पर जवाब बाड़मेर होगा, क्योंकि 2019 की जो आपके यहाँ पर पशुगणना की गई थी 20वीं पशुगणना, इसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो पशुओं की बात करें वो भी बाड़मेर में, और साथ में बात करें कि भेड़ कहां पर है तो भेड़ भी बाड़मेर में है, और अगर बच्चा बकरी भी करके आता ना तो बकरी भी बाड़मेर में ही है। ठीक है ना, शाबाश मेरे शेरों। तो एक बार क्लास को, इस सेशन को बिल्कुल, इसको पेपर जो अपन सॉल्व करा रहे, एक बार इसको फटाफट से लाइक कर दो यार, लाइक नहीं कर रहे आप लोग, लाइक और सब्सक्राइब में बहुत कमी आ रही है, एक बार फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं अगले ज्योग्राफी के क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलता हूं, जब तक चलिए अब यहां से ये देखो एक और, ये भी क्वेश्चन आजकल ऊर्जा काफी एग्जामों में आने लगी है, तो जो बच्चे अगर ऊर्जा से रिलेटेड प्रश्नों की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो बेटा ऊर्जा, ये दो क्वेश्चन है रिलेटेड, बैक टू बैक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर, दोनों ही क्वेश्चन पहले अपन 75 करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क बढ़ाना अवस्थित है, ये क्वेश्चन बताओ कौन सा स्टूडेंट नहीं करेगा सही, कि बड़ला कहां पर, बढ़ाना नहीं बड़ला, सॉरी बड़ला कहां पर स्थित है, बताओ बड़ला कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा है, केवल बड़ला पूछा है कि विश्व में सबसे बड़ा सोल बड़ला जोधपुर में है, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में, तो ये प्रश्न आपका यहां पर आया, बड़ला कहां पर है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर, ये प्रश्न आया है। और राजकुमार मीणा यहां पर बहुत अच्छा जवाब दे रहा है, बड़ला जोधपुर में है गुरु जी। ये शुभम तो मेरा मेरे से आगे चल रहा है, क्या बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बड़ला कहाँ पर है, जोधपुर में है बड़ला, बिल्कुल ए ऑप्शन राजकुमार, बहुत बढ़िया। ये तो मेरे बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, मुझे आवश्यकता शायद लग नहीं रही कि आवश्यकता देने की आवश्यकता है। ठीक है, शाबाश मेरे प्यारे से शहरों, बहुत अच्छा, बड़ला कहाँ पर है, जोधपुर में, बिल्कुल। ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी हाल ही में एक एग्जाम और भी हुआ था जिसके अंदर भी देखा था ये क्वेश्चन, अभी कुछ टाइम पहले एक एग्जाम हो, याद नहीं आ रहा उस एग्जाम का नाम, वहां पर भी सोलर की बात हुई थी। और एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए जस्ट इससे ऊपर है 74, एक तरफ तो उद्योग है और एक कह रहा है कि स्थित, नहीं पूछ रहा है बेटा नहीं, देखो मैंने तीन जगह यहां पर फोकस किया है, तीन जगह मैंने फोकस किया है, एक उद्योग और एक स्थित और एक नहीं, नहीं पूछ रहा है यानी नहीं है। सोडियम सल्फेट डीडवाना में नहीं है क्या, ग्लास कांच सोचो यार धौलपुर में नहीं होगा क्या, उर्वरक गढ़ेपाल में नहीं है क्या, या वाटर मीटर, जो वाटर के मीटर बनाए जाते हैं, ये कह रहा है भिवाड़ी में, बताओ यहां पर। अगर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए, बिल्कुल वाटर मीटर जयपुर में बनाया जाता है। ये लो भाई आरएस का राजा भी पकड़ लिया आंसर को, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश मेरे शेर। वाटर मीटर कहाँ पर, ये आपके भिवाड़ी में नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, नहीं है। तो ये बेटा जी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होते हैं। अब बारी किसकी है, बारी है आपके हिस्ट्री और करंट अफेयर्स वाले सर की, सॉरी पॉलिटी और करंट अफेयर्स वाले सर की, बताओ सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है, बहुत ही शानदार पेपर आया है पॉलिटी का भी और करंट अफेयर का भी। ठीक है दोस्तों, और अब आपको पता लग गया होगा कि क्लास 24 क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ हैं, सभी चीज़ें जो पढ़ाई है वही आपके आई है। ठीक है, चलिए सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो स्टार्ट करते हैं हम, उल्टे से ही स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन लेट ही आए थे पॉलिटी और करंट अफेयर के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक क्वेश्चन आया था अग्नि 4। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा चार्ट बनाकर बताया था कि अग्नि क्या है। अग्नि सबसे पहले तो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद में चूंकि इंडिया अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा,
इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 73 का पहला आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद में जब हम आंसर देखते हैं RSIEERT, ठीक है, ये वैसे तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न है, पर इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर 72 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 11 नवंबर 1978। ठीक है, 11 नवंबर 1978। ठीक है बच्चों, चलिए नमस्कार नमस्कार, जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, लगभग 900 बच्चे देख रहे हैं, इसको पहुँचाओ जल्दी जल्दी। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद में जब आपके प्रश्न आता है, उसके बाद में जब आपके पॉलिटी के प्रश्न कौन कौन से आएंगे, ठीक है, चलिए हमारी यात्रा चलती रहेगी। ठीक है, ये आप देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार उल्लेख है, कितनी बार पढ़ाया है आपको, चौथी अनुसूची में, संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसके अंदर बता रखा है कि राज्यसभा की कितनी सीटें होगी। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद में आपका देखते हैं आगे की तरफ जो क्वेश्चन, ये देखिए करंट अफेयर का, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कोरोना काल में क्या हुआ था, टीवी के माध्यम से रेडियो के माध्यम से बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा था। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है रेडियो, रेडियो का मतलब होता है आकाशवाणी यानी कि शिक्षा वाणी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। और अगर आप आने वाली शिफ्ट वाले ध्यान रखना, हो सकता है कि टीवी से पढ़ाने वाला पूछ ले तो उसका आंसर क्या होगा, शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन वो है जिसमें डीडी राजस्थान, दूरदर्शन, जिसका दूर से दर्शन कर सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहो। अब ये एक प्रश्न आपका पूछा था करंट अफेयर का, और जो मैंने कहा था कि पुरस्कारों से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं, अगर आपने मैराथन क्लास ली हो तो आपको अच्छे से पता होगा असगर वजाहत को व्यास सम्मान किसके लिए मिला था, इनको मिला था भाई साहब एक नाटक के लिए, एक प्ले जिसका नाम था महाबली। ठीक है, महाबली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए सभी के आंसर होंगे, चिंता मत करिए, साइंस के आंसर होंगे, मैथ्स के आंसर होंगे, हिस्ट्री के होंगे, सभी चीज़ों के आंसर आपको बताए जाएंगे। इसके बाद में एक प्रश्न आता है, मंकी पॉक्स वायरस की जांच के लिए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, मंकी पॉक्स, और इसका मैंने आपको, ये तो इन्होंने बहुत सरल पूछ लिया, मैंने तो पूरा एड्रेस बताया था, मंकी पॉक्स के लिए लैब खुली है जयपुर के SMS में, सच्चे मन से स्मरण, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ है, ये स्थापित हुई है मंकी पॉक्स को लेकर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, ठीक है चलिए, इसके बाद में जब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों की धूजनी छुट्टी होगी, पर नहीं, आपको अगर एक चीज पता है कि मैचिंग करना था, मिलान करना था, ठीक है, और ये मिलन आप कब करवा सकोगे, जब आपको ये पता होगा कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश की सीटें बराबर है। ठीक है, यहां पर आपको देखते हैं आंध्र प्रदेश में कितनी है, 25, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की सीटें बराबर है, यानी कि बी का पहला होना चाहिए, बी का पहला सिर्फ एक में ही है, अपने आप मिल गया। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जो आते हैं इनको देख के बच्चों को अंदर क्या होते हैं, धूजनी छूट जाती है, बच्चे सोचते हैं अरे बारह काई पूछ लियो, जबकि ये सवाल बहुत सिंपल हो है, अगर थाने एक भी ऑप्शन आगो तो बहुत ज्यादा चांसेस है मिलाने का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या कह रहे हो, मत्स्य संघ, बेटा जी हिस्ट्री के क्वेश्चन अब आएंगे, अभी तो हम पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए, उसके बाद में बच्चों आपके आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ जो आपके अगले प्रश्न है, ये देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जो चौथा हुआ था, इसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, तो भैया हम राजस्थानियों ने इसके अंदर कितने पदक जीते थे, राजस्थानियों ने टोटल आपके कितने पदक जीते थे, 32, राजस्थान का इस बार पदक तो कम जीते लेकिन स्थान अच्छा था, 10वां रैंक था हमारा। ठीक है, कौन सा रैंक था, 10वां, सर थोड़ा चौड़ा कर दो, बिल्कुल साहब चौड़ा कर देते हैं, ठीक है 10वां, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, देसी बच्चे मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, चलिए अब है कि हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की कैटेगरी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, सर्वश्रेष्ठ राज्यों के लिए जल पुरस्कार में पहला स्थान मिला था योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को, तो दूसरा किसको मिला, अशोक गहलोत जी के राजस्थान को, सेकंड रैंक इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत शानदार प्यारे बच्चों, वेरी गुड एक्सीलेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद में बच्चों हमारे सामने प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे भूगोल के प्रश्न है, भूगोल में
हम पूरे गोल हैं, ठीक है, हमारे बस की बात नहीं है, भूगोल प्रदीप सर है उसके लिए। उसके बाद में है, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सन ने मस्क के स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है। मैंने आपको बताया भी था, इस तरीके के जब भी उपग्रह लॉन्च करते हैं पहला नाम क्या होता है, किसी पौराणिक नाम पर होता है और महिला का नाम होता है और सुंदर सा होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, शकुंतला। शकुंतला इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल भावी शिक्षिका कह रही है, कौन कह, गुड्डू मीना में भावी शिक्षिका, बिल्कुल बेटा भावी शिक्षिका हो, ठीक है, पेपर अच्छे से दे दिया है, अब बस चूरमा बाटी की व्यवस्था करो। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न आएगा निम्न, ये देखिए ये है आपके लिए प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा खतरनाक प्रश्न पूछा था, उम्मीद नहीं थी इस लेवल का पूछेंगे लेकिन पूछ लिया। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू करा है, इसका होगा अडानी ग्रीन एजेंसी। ठीक है, याद रखना अडानी भाई साहब ने करा था, अडानी, ठीक है, अडानी इज करेक्ट आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है, अब देखिए शुरुआत से, उसके बाद में हिस्ट्री के प्रश्न भी देख लेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, ये देखिए ये पॉलिटी का एक प्रश्न, बहुत खतरनाक प्रश्न है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना है, अगर आप कॉमन सेंस का प्रयोग करोगे तभी आपका यह प्रश्न सही होगा। इसके अंदर आपको पहले 4 स्टेटमेंट दे रखे थे और उसके बाद आपको सही उत्तर चुनना था। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, बिल्कुल बेटा जी 552 हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में है, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 है, नहीं बेटा 542 नहीं है, अगर आप लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अब जहां जहां बी है उसको गलत कर दो तो सर तो एक ही ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। उसके बाद में सी ऑप्शन है, लोकसभा में राज्यों की सदस्य संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल साहब 530 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, 530 तो राज्यों से होगी, 20 किससे होगी, केंद्र शासित प्रदेश, और 2 किससे होती है, एंग्लो इंडियन, जो अब नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया, डी गलत दे रखा है, 131 तो होती है लेकिन यहाँ पर 84 SC होगा, 47 ST होगा, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। बताओ किस किसने ये सही करा है, क्या नाम है, रांझा आरएस का, ठीक है। चलिए साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा साफ करो, अरे बेटा जी जो ओरिजिनल पेपर आया है उसी को आपको स्कैन करके दिया है, ठीक है, हम लोग आपको तुरंत आंसर दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है कि क्योंकि पेपर आया है, बच्चे ने पेपर दिया है उसके बाद में, ठीक है, उसने वहां से भेजा है सेंटर से, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, चिंता मत करो, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है आपके, प्रश्न नंबर 40वां आपके है, भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार, भारत सरकार का प्रमुख अकाउंट एडवाइजर कौन होता है, भारत सरकार के जो रुपए पैसे हो रहे हैं उन पर यह बताना कि भैया सही ढंग से आप पैसे यूज कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इसका आंसर क्या होगा, केग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और दोस्तों प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक क्लास 24 अपनो राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो, ठीक है, आपके पास में जिंदगी बार बार मौका नहीं देगी, एक अच्छा मौका है, ठीक है, हमारी टीम पूरी तरीके से मेहनत से आपके लिए लगी हुई है, आप देख सकते हैं हमारे स्टूडियो का माहौल, ठीक है, किस तरीके से सारे शिक्षकगण सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, अगला प्रश्न आपका होगा, ठीक है, देखते हैं कौन सा प्रश्न है, हाँ, माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की इकाइयां 1-4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है। बच्चों ये प्रश्न RPSC ने बनाया था, प्रश्न का उत्तर तो वैसे 2022 होना चाहिए था, 22 ऑप्शन में नहीं है तो हम मान सकते हैं 2023, वैसे मेरे हिसाब से ये प्रश्न हो सकता है कि आपके प्रश्न डिलीट हो जाए क्योंकि इसका करेक्ट आंसर 2022 है, 22 से एकदम पास में 23 को मान रहे हैं, लेकिन मैं आपको वापस कह रहा हूं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर इसका आंसर क्या दे रहा हुआ है, 2022, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद में हम चलते हैं, ये भैया ये फिजिक्स है, हमारे कभी जिंदगी में नहीं आई, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये ज्योग्राफी का भी प्रश्न है, करंट का भी प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा, बूंदी, ठीक है, बूंदी, बहुत बढ़िया।
अब चलते हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है। विश्व धरोहर स्थल नहीं है, विश्व धरोहर स्थल नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, दो एंग्लो इंडियन हटा दिए, ये अभी तक का है, ठीक है। 2022 के बाद दो वर्ष बढ़ा दी, ठीक है, इसलिए चिंता मत करिए। अब जो एंग्लो इंडियन आएंगे ना, अब अगर परीक्षा में आते हैं तो आपके 552 होंगे, अभी दो एंग्लो इंडियन वर्तमान संदर्भ में तो है, ठीक है ठीक है, वरना तो चारों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद में कौन विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये प्रश्न हमने कितनी बार दिया था, चीकू गाजर आम, ठीक है, चीकू गाजर आम ट्रिक से आपको बताया था ना, ठीक है। हल्दी घाटी, ज्योग्राफी वाले सर कह रहे हैं मेरा प्रश्न है, करंट का भी है गुरुजी, ठीक है। चलिए चलिए, अब आते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए ऊपर चले गया, ये है अंग्रेजी। अंग्रेजी तो भैया हमको एक ही टाइम पे आती है, बाकी तो हमारे बस की बात नहीं है अंग्रेजी, ठीक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है, हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी, ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आपके, अब आपके साइंस के प्रश्न लेकर आ रहे हैं हमारे सर जी, साइंस और मैथ्स के प्रश्न बाकी है, देख लेता हूँ हमारा कोई सवाल बाकी है क्या। चलिए मैम, आप साइंस के प्रश्न लेकर आइए। स्क्रीनशॉट ले लेना यार, इसमें से भाई साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कितने क्वेश्चन आए हैं भाई इस बार। लास्ट टाइम तो 3 ही क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया, 1 क्वेश्चन ज्यादा दे दिया है साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पहला जो क्वेश्चन नंबर है, उनको से इसको आगे करना, उसको उसको 38। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आया आपके पास 38, फिर वही बात है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रखा है साइंस के क्वेश्चन का लेवल इस बार भी। तो पहला जो क्वेश्चन है फिजिक्स का है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि बल आपके, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए 3 परिस्थितियाँ ए बी सी हैं, या 3 यहाँ कैटेगरी दी गई है ए बी सी अलग अलग करके, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि ए बी सी में एफ पर एफ बल लगाया जा रहा है, एम द्रव्यमान के किसी पिंड पर, मतलब 3 अलग अलग वस्तुएं रख ली है, ए बी सी, एफ बल लगाया जा रहा है और तीनों वस्तुओं का द्रव्यमान हम मान रहे हैं कि एम है। यहाँ क्या करना है कि पिंड पर कार्य कर रहा है विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया है, मतलब ये वाला जो साइन है, ये साइन किसको शो कर रहा है, यहाँ पर विस्थापन को शो कर रहा है, मतलब विस्थापन की दिशा क्या है, ये है ए बी सी पर कार्यरत बल आपको ज्ञात करना है। तो पहला स्थिति देखो, पहली वाली स्थिति की हम बात करें, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बता देती हूँ किस तरीके से इस कंडीशन की हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शन देख लेना, पहले वाले इस स्थिति की हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो बल जो कार्य है विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में, लेकिन बल इस दिशा में लग रहा है। अरे भाई, जब बल ऊपर लग रहा है तो वस्तु इस तरफ तो जा नहीं सकती ना, मतलब उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। दूसरा देखिएगा कि बल की डायरेक्शन क्या दे रखी है, एफ, अरे बल इधर लगा रहे, विस्थापन इस तरफ होगा ही नहीं, मतलब ये कहां पे चला गया है आपके पास, ऋणात्मक में चला गया। और तीसरे की बात करें सी की, तो फोर्स भी यहां लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हो रहा है धनात्मक। तो सी से आप सबसे पहले देखिएगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब सी पॉइंट कैसा आ रहा है, किया गया कार्य क्या है, धनात्मक। अब इस ऑप्शन में सबसे पहले धनात्मक देखिए कहां है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही सिर्फ आपको धनात्मक दे रखा है, तो पहला वाला इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने फर्स्ट किया है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, वो क्या है, बिल्कुल सही है, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है 48 और 42, तो इसको अगला क्वेश्चन देखिए 42 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोपेन एक 3 कार्बन यौगिक है, इनमें क्रियात्मक समूह क्या होगा। देखो, जब प्रोपेन की बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रॉप प्लस ऑन हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन आपके पास कार्बोक्सिलिक में नहीं बन रही, एल्डिहाइड में नहीं बनी, सीधा का सीधा कहां जाता है, ये कीटोन पे जाता है। तो जिन्होंने भी कीटोन इसका आंसर किया है वो क्या है, डन है। तो प्रोपेन वाले में करेक्ट आंसर क्या हो गया है, कीटोन हो गया है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, ये हार्मोन वाला जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट है आपके पास, तो इसको थोड़ा सा मैं एक बार जूम कर लेती हूँ। 47 देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे,
कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पादप वृद्धि को रोकता है। देखिए बहुत बार क्लासेस में रीट वाली जो क्लास हुई फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली जो क्लास चलाई गई थी उसमें भी मैंने बहुत बार बताया था जब टिश्यू मैं पढ़ा रही थी तो आपको याद रखना था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो पादप वृद्धि को रोकता है, मतलब इन हैबिट्स वाली कंडीशन वहां पे डेवलप करेगा। तो ऑप्शन है एब्सलिक है, जैबरेलिक है, ऑक्सिन है और इथाइलिन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिन्होंने भी यहाँ पर करेक्ट आंसर एब्सलिक किया है वो क्या है, बिल्कुल डन है, क्योंकि एब्सलिक एक ऐसा हार्मोन है जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ होने के लिए रोकता है। डन है, चलिए ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है साइंस का आपके पास ये, तो इसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70 जो दिया गया है, अब ये भी क्वेश्चन आपके पास केमिस्ट्री से ही लिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है, मतलब किसकी रिएक्शन करवा रहा है ये, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहा है H2O से। अब जब भी कैल्शियम ऑक्साइड H2O से रिएक्ट करेगा उस कंडीशन में क्या बनता है आपके पास, CaOH, मतलब क्या बन जाता है आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब ऑप्शन देखिए, ये भुजे हुए चूने का निर्माण करता है, हांजी सही है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो यहां मैं डेल्टा लगा के शो कर देती हूं कि बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से शो करते हैं। आगे देखिए, यह एक वियोजन अभिक्रिया, भाई वियोजन कहीं हो ही नहीं रहा ना, यहाँ पे तो CaO की हम बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड वो जल के साथ क्या हो रहा है, संयोजित हो रहा है, और कैल्शियम आपके साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो ये एक तरीके की संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन नहीं है। तो जो असत्य कथन है वो क्या हो जाएगा, थर्ड। तो जिन्होंने भी थर्ड किया है वो क्या है, डन है, कंप्लीट है। ओके, तो ये साइंस के क्वेश्चन थे आपके पास। अब नेक्स्ट जियोग्राफी के क्वेश्चन के लिए मैं फिर सर को चलो वापस करंट के लिए और पॉलिटी के लिए अंकुर सर जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाएंगे। और जिस तरीके से तैयारी, एक बार देख लीजिएगा, साइंस के जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक आ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स और बेसिक में थोड़ा सा लेवल अच्छा दिया गया है, तो अगले लेवल के लिए जितने भी बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी करके जाए। ऑल द बेस्ट जिनका भी नया एग्जाम होगा उन सभी को। चलिए दोस्तों, अब एक बार शुरू से देख लेते हैं कि हम जीके के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। संजय सर ने आंसर लगा के भेजे हैं हमें, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए, तो उनके क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। देखिए, मैथ के क्वेश्चन आपको सर करवा देंगे। एक वर्ष में कौन से दो महीनों का कैलेंडर सेम होता है, अगर आप कैलेंडर देखेंगे, ठीक है। इसके लिए वैसे कोई ट्रिक होती होगी जो आपको सर बताएंगे। अप्रैल नवंबर उदारवादी नेता नहीं थे। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण देखें जिसका नाम था उदारवादी चरण, जिसके अंतर्गत आपके ऐसे ऐसे नेता आए थे जिन्होंने क्या करा था, प्रार्थना पत्र, इन सब पे विश्वास करा था, इनमें से विपिन चंद्र पाल नहीं थे। विपिन चंद्र पाल तो गरम धन के थे, आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल, तो उसमें विपिन चंद्र जी का नाम आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कहाँ हुई। तो बच्चों, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंतर्गत, ठीक है। साथ साथ में लिखते रहना, हो सकता है क्योंकि आरपीएससी का एक लेवल होता है या अधीनस्थ बोर्ड पूछे गए प्रश्नों को घुमा फिराकर पूछता है, इसने आने वाली शिफ्ट के लिए भी ये प्रश्न बहुत काम का है, ठीक है। चलिए चलिए उसके बाद में हम आपके आते हैं अगला प्रश्न जो आपके है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेडसा गांव किस राज्य में था, ठीक है। कॉमन सेंस का प्रश्न है, डूंगरपुर में था, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपके प्रश्न आता है गणित का, गणित तो उमेश सर आपको करवाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद में आपके प्रश्न बनता है, यहां पर देखिए प्रश्न कौन सा है कि ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, राजस्थान के कुदरत सिंह हस्तशिल्प में किस कला में फेमस थे। अगर हम बात करें कुदरत सिंह की, तो कुदरत भैया किसके अंतर्गत थे, मीनाकारी में, मीनाकारी के अंदर कुदरत का योगदान था। उसके बाद किस चौहान शासक ने अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी जिसको ऐबक ने तोड़कर एक मस्जिद बनाया, जिस मस्जिद का नाम आज क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सारी चीजें बता देंगे बच्चों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपके प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10वां है, 11वां आपका है कि जो आपके 1961 से 1969 अवधि के दौरान
कौन पुरातत्ववेता काली बंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था, ठीक है? तो याद रखना इसके अंदर नहीं पूछा है, कई बच्चे नहीं को नहीं पढ़ते इसलिए जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। याद रखना बीबी लाल, बीके थापर और एचडी खरे थे, लेकिन आरसी अग्रवाल का कोई संबंध नहीं था, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आरसी अग्रवाल जी का संबंध नहीं था। प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, 2000 होने ही वाले हैं, आपको रुकना नहीं है, ठीक है? देखिए सबसे पहले सबसे सटीक आंसर लेकर हम आपके सामने आए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए ठीक है, चलिए बिल्कुल जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया जाएगा, चिंता मत करिए, मैथ रीजनिंग के सर क्वेश्चन आपको डिटेल में करवाएंगे। एक बार आप जीके के अंदर देखिए, उसके बाद में आपका प्रश्न आता है, ये मैथ का प्रश्न है, ठीक है? चलिए उसके बाद में जब हम देखें कि हमारे मैथ्स के और कौन कौन से प्रश्न है, मैथ्स के अलावा कौन कौन से प्रश्न है, तो यहाँ पर इसके अंतर है, वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? याद रखना वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री जी को वृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है? याद रखना। उसके बाद में एक प्रश्न और आपके सामने आया है, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ नहीं हुआ, यह किसने कहा? इस प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? चलिए इसके बाद में आपके प्रश्न कौन से आते हैं, इसके बाद में प्रश्न आते हैं, ये मैथ्स का प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक है भैया सूर्यमल मिश्रण, ठीक है? कई बार ये प्रश्न आता है राजस्थान से, मैंने आपको एक क्लास भी ली थी जिसका नाम था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, उसमें भी मैंने सूर्यमल मिश्रण के बारे में बताया था, ठीक है? चलिए उसके बाद में है, विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अंदर जो विश्व धर्म सम्मेलन था, जहां पर एक शानदार भाषण दिया था, जिस भाषण का शुरुआत ही उन्होंने कहा था अमेरिकन मेरे भाइयों बहनों, एक ऐसा भाषण दिया उस महापुरुष ने जिसने पूरे भारत को आभा मंडन फैला दिया, पूरे भारत को फैला दिया, और अब ब्रिटेन की अमेरिका के न्यूज़पेपर में कहा इस देश में हमें धर्म सुधारकों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सितंबर 1893, ठीक है? सितंबर 1893 होगा, इस बच्चे ने यह आंसर गलत करा है, कोई बात नहीं, सितंबर 1893 के अंतर्गत इसका जो भाषण था वो स्वामी विवेकानंद ने दिया था, ठीक है? चलिए उसके बाद में प्रश्न आता है, 1857 की क्रांति के समय करौली का राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा महाराजा मदनपाल जी, ठीक है? महाराजा मदनपाल इज करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ये आपका प्रश्न है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अगर आपका पढ़ना हॉबी है तो आपको कम से कम एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, अगर आप पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हो, आरएस वगैरह पढ़नी है। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है जिसका उन्होंने नाम था हिंद स्वराज, बहुत ही पतली किताब है, इसको आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, उसके बाद में है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसको बनाया गया? इस प्रश्न का आंसर होगा धौलपुर के शासक को, ठीक है? धौलपुर के शासक को बनाया गया था मत्स्य संघ का राज प्रमुख, ठीक है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी बताएंगे, अरे थावस रखो प्यारे बच्चों। चलिए अब ये देखते हैं, देखो दोस्तों हमें गणेश सर ने ये क्वेश्चन के आंसर लगा के भेजे हैं, तो हम एक बार आपको ये भी बता देते हैं, ठीक है? व्याख्या आपको सर आके कराएंगे कि ये हिंदी के प्रश्न क्या हैं। तो सबसे पहले आपका है कि निम्न में से सभी शब्द शुद्ध है, तो भैया ये वैमनस्य और विरहणी ये शुद्ध है। उसके बाद में संधि विच्छेद नहीं है, अभिषेक का संधि विच्छेद अभी प्लस शेक नहीं होगा, क्योंकि संधि के अंतर्गत एक छोटा सा नियम होता है कि दोनों शब्द पूर्व पद और पश्चिम पद दोनों का क्या होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों? इनमें से किस शब्द का हिंदी समानांतर शब्द असंगत है, ठीक है? चलिए ये आपका मेमोरेंडम, ये आपको सर बताएंगे, ठीक है? वैसे इन्होंने कोरेस्पोंडेंस कहा है तो वही होना चाहिए। चलिए इसके बाद में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, अग्रपश्च है, आह्लाद विषाद है, अतिथि आतिथेय है, उद्यत नहीं है, और निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है? हम सफर, तुम मेरे हम सफर हो, तो सफर के आगे हम लग गया तो उपसर्ग हो गया, उम्र के आगे हम लग गया तो भी हो गया, वतन हो गया, हम लोग नहीं हुआ। इसके बाद में अंग्रेजी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अंग्रेजी के अंतर्गत ये करेक्ट पैसिव फॉर्म है, द रिपोर्टर हैज गिवन द होल प्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव वॉइस। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, ठीक है प्यारे बच्चों, साथ साथ में लिखते जाओ, ठीक है? क्या सर जी अब
ऐप पर भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे बेटा जी क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं बताया है, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न के उत्तर आपको बाद में भी बता दिए जाएंगे, एक बार तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं जो सर ने आपको आंसर करके बताए हैं, ठीक है। चलिए अब आपके सामने प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा हल्दीघाटी। हल्दीघाटी नहीं है, जबकि गागरोन किला झालावाड़ का, जयपुर का परकोटा और कुंभलगढ़ इसमें शामिल है। उसके बाद में आता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये बच्चों बूंदी के अंदर है, ठीक है, बूंदी के अंदर है रामगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन आपको मैम ने बता दिया है अभी। उसके बाद में माही बांसवाड़ा राजस्थान एरोमेटिक पावर प्रोजेक्ट, इसका मैंने बताया था आपको 2022 होना चाहिए था, पर आंसर क्या है, आंसर है इसका प्यारे बच्चों क्या है, 2023, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से गलत दे रखा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। 25 में धौलपुर होगा, धौलपुर ही तो बताया बेटा जी आपको, ठीक है, धौलपुर ही बताया है, अभी मैंने चेंज करवा दिया, धौलपुर ही होगा उदयभान सिंह, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपन चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर, इसका आंसर लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कई बच्चे कह रहे थे सर करेक्शन हो गया, एंग्लो इंडियन का प्रोविजन हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, पर वो अभी अगली टर्म से होगा, इसलिए इस प्रश्न को हम ए ऑप्शन सही होगा और इसमें सी सही होगा। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 542 नहीं है, अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो 543 है, और उसके साथ में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 तो है, लेकिन 83-48 नहीं है, 84-47 है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। उसके बाद में आपके अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, ठीक है, साथ साथ में आप करते रहना। ये प्रोपेनॉन साइंस वाला प्रश्न है, तारा बालू का समूह ये ज्योग्राफी वाला प्रश्न है। इसके बाद में ये एक प्रश्न आपका आता है, ठीक है, अभी मैथ्स के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाएंगे। निम्न में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो भैया ये याद रखना, फूलों की घाटी भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इसके बाद में एक प्रश्न है, राष्ट्रपति का निषेधाधिकार शक्ति के बारे में बताओ, तो यहां पर यह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए राष्ट्रपति पर कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं होती, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उसके पास अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प, राष्ट्रपति के पास बाध्यकारी शक्तियां नहीं होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस कंपनी ने भारत का 390 MW पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में चालू करा है, इसका आंसर क्या होगा, अडानी समूह, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इसके बाद में साइंस का प्रश्न था, ये आपके स्कूल मैनेजमेंट का प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंध के कार्यों में कौन शामिल है, इसका आंसर चारों ही सही होंगे, ABCD। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपके अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में कितने सदस्यों को नामित करा है, 17 को करा है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, औपचारिक मात्र। अब ये आपके साइंस का एक प्रश्न आता है, बहुत शानदार प्रश्न था, मैंने आपको बताया था कि भारत ने अपना एक स्टार्टअप करा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिसका नाम है पिक्सल, इसने एक नया उपग्रह लॉन्च करा है जिसका नाम क्या है, शकुंतला, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद में आपका प्रश्न है, वर्तमान में डाइट कितनी है, ये हो गई 32, 32 इज करेक्ट आंसर, ये याद रखना, राजस्थान में टोटल जिले तो 33 है पर डाइट कितने हैं, 32, ठीक है। चलिए चलिए 54 जो प्रश्न है वो आपको इसका डी ऑप्शन होगा, 54 का डी होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड आप सब जानते हो कोटा में है, और बताओ, ठीक है, और बी का जो ये बी का तीसरा हो गया, ए का दूसरा लेन एंड ट्रक फैक्ट्री ये अलवर में, बस दो आ गए तो काम सो हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपको प्रश्न पूछते हैं, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत राजस्थान को कौन सा मिला था, दूसरा मिला था, इसके अंदर जो अब पेपर है वो ध्यान रखना, पहला स्थान किसको मिला था, उत्तर प्रदेश को, पहला स्थान यूपी को मिला, दूसरा स्थान किसको मिला, आपके राजस्थान को, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जल्दी से आप कर लीजिए, आप सभी मैथ्स का इंतजार कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो अभी आएंगे सर। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कितने पदक जीते, तो प्यारे बच्चों राजस्थान ने टोटल 32 पदक जीते थे, राजस्थान का रैंक कौन सा था, वो होगा 10, ठीक है। चलिए 10, ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। डाइट 30, डाइट का देखना सर एक बार, 32 ही है बेटा, ठीक है चलिए ठीक है। इसके बाद में ये प्रश्न था आपके मिलान करने वाला, तो ये याद रखना,
आपको मैंने एक चीज बताई थी कि राजस्थान के पास जितनी लोकसभा सीट है उतनी की उतनी आंध्र प्रदेश के पास में है, तो यहाँ पर अगर आप 25 आपको पता लग गया तो अपने आप आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि केवल एक में ही ये मिलाया हुआ दे रखा है। ठीक है, चलिए 63वां प्रश्न था, मंकी पॉक्स वायरस के लिए एक लैब कहाँ बनी है? तो बच्चों ये बनी है जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ पर? SMS में, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर। चलिए, और इस प्रश्न के राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? इस प्रश्न का उत्तर भी प्यारे बच्चों क्या होगा? डूंगरपुर। प्रदीप सर ने बताया है डूंगरपुर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए 64 में डी, ए बी बी, अच्छा बी फॉर बबीता। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? BSKW। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, प्रतापगढ़ में बन गई है। चलिए बच्चा कोई बात नहीं, वो डाइट वाला प्रश्न हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाने वाले सर से पूछ के आपको फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए एक उसके बाद में आपके प्रश्न आता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न आपको सर करवाएंगे। असगर वजाहत को व्यास सम्मान किसके लिए मिला है? इसमें याद रखना, एक नाटक था जिसका नाम था महाबली। COVID-19 के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने कौन सा प्लेटफॉर्म चालू करा है? इसका आंसर होगा शिक्षा वाणी। ठीक है, अब जिनके पेपर है वो याद रखना, एक शिक्षा वाणी के जैसे एक शिक्षा दर्शन भी होता है जिसके अंदर DD राजस्थान के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, TV ऑन करो और आपके बिग बॉस की जगह क्या आ जाए? फिजिक्स वाले मास्टर जी। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है जिस प्रश्न का उत्तर बताना। 68 हो गया, 69, संविधान में राज्यसभा की सीटों का राज्यपाल विंडन कहां दे रखा है? तो प्यारे बच्चों चौथे, इसको सही कीजिए, वहां से वो बाड़मेर लगा, बाड़मेर ही है ये, तो वो चलिए चलिए चलिए, इसका आंसर क्या होगा? पशुधन गणना के अनुसार बाड़मेर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है सर, 54 का आंसर बिल्कुल ठीक है, 54 का आंसर भी हो जाएगा। चलिए डी डी डी, ठीक है चलिए, अब इसका आंसर क्या होगा? संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का वर्णन है? चौथी अनुसूची में। उसके बाद में ये साइंस का प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से है? तो भैया इसका आंसर होगा विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व पर। और उसके बाद में है आपके ये, इसकी स्थापना कब की गई? SERT। ठीक है चलिए, ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परिसंधान संस्थान जो कि उदयपुर में है, इसकी स्थापना कब की गई? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ, 72 का आपने क्या आंसर कराया? 72 का आंसर होगा दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो, 11 नवंबर 1978। ठीक है चलिए चलिए, अब आपको ज्योग्राफी और मैथ्स के क्वेश्चन करवाने सर आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बेटा जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पेपर करवाया, उसके बाद वापस आना हूँ, क्योंकि रीज़न है क्योंकि कुछ पर्सन रह गए थे अपने। ठीक है, तो वो भी अपन देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, जब तक आपके मैथ वाले सर आते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें एक बार यहाँ पर थोड़ा सा, ये दो क्वेश्चन अपन ऑलरेडी पहले कर ही चुके थे, वाटर मीटर भीड़वाड़ा यहाँ पर भिवाड़ी बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, ये बात अपन कर चुके थे। बड़ला कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है, इसके अलावा अपन यहाँ पर बात करें एक बार फिर से पीछे क्यों लेते हैं, चौथी ये बात, ये पशुगणना की सर ने बताई थी, जैसे बिल्कुल क्लियर आप लोगों को कर दिया है यहाँ पर। 2011 लिंगानुपात सर्वाधिक डूंगरपुर, आपको अच्छे से पता है, ये BAW नहीं है, तो BSKW नहीं है, सर ने जैसे बताया आप लोगों को। यहाँ पर थोड़ा सा और अपन चले आगे डाइट के बारे में। हाँ, एक ये क्वेश्चन था, बच्चे यहाँ पर हो सकता है थोड़े से डाउटफुल रहे, तो डाउटफुल नहीं रहना इसके अंदर, ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर ज्योग्राफी के, ध्यान से देना। एक तो ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है माय डियर, ध्यान से देखना थोड़ा सा कि उद्योग और अवस्थित कहाँ पर है, ये मिलाना था। एक तो उद्योग है और अवस्थित कहाँ पर है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीधा कोटा की अगर हम बात करें तो बी के आगे तीन कोटा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम यहाँ पर कि एक के आगे दो, कि देखो ट्रक स्टैंड, ये बिल्कुल ट्रक वाला तो आपको पता है अलवर में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्टेट टेनरीज जो लिमिटेड है वो टोंक में है, थोड़ा मुझे भी यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा, और ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, डी ऑप्शन कर लेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन में मेरे को प्रॉब्लम लग रही है, वो प्रॉब्लम में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, होता है पूरा पूरा बोनस है भाई। तो अपन शुरुआत करते हैं अपने मैथ्स के प्रश्न के लिए, उसके लिए एक बार आप सभी लोग सेशन को कंप्लीट लाइक और शेयर कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं सर इसी सेशन के साथ में। ठीक है,
सर मैथ्स के जो प्रश्न, पहला ही प्रश्न मैथ्स का सर ये है आपके सामने, ठीक है सर। इसमें क्या है ना, मैं आपको पूरा कंफर्म कर देता हूँ, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर लेंगे, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड से फ्री होने के बाद में रीट का सारा कंटेंट पढ़ेंगे क्लास 24 अपन राजस्थान पर बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री। तो एक बार सर सुन लीजिए। हाँ सर सुन लीजिए एक बार। देखो सर ये एक प्रश्न है आपका, सर इसमें ये जो एक नंबर दे रखा है, ये आपका नंबर दे रखा है रीअक्रिंग नंबर दे रखा है सर। कैसा दे रखा है भाई? रीअक्रिंग नंबर। पेपर की पीडीएफ आपको भाई एप्लीकेशन में मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए क्लास 24 अपनो राजस्थान पे, वहां आपको ये पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। सर इसकी अगर आप बात करो, देखो डीसीएबी बार 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 आपके रिपीट हो रहा है, तो आपको यह लिख देना चाहिए 0.DCAB, ठीक है, और इस पर बार। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो डी सी ए बी अपॉन ये हो जाएगा सर 9999 इक्वल में हो जाएगा सर 3111111। सर कंपैरिजन करने के लिए मैं ऊपर और नीचे कर देता हूं सर मल्टीप्लाई, बोलो हाँ कि ना भाई? सर ऊपर और नीचे मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई आपके, ठीक है। हाँ सर सुनिए एक बार भाई, ऊपर और नीचे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 9 से यहां और 9 से यहां, तो सर ये वाली वैल्यूज डी सी ए बी। अब सर इस प्रश्न में एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई है वो आपको बता देता हूं मैं। डी सी ए बी 99999, बोलो भाई क्लियर है क्या? इसको अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर देते तो 279 हो गया है सर, बोलो क्लियर है? हाँ सर हो गया है। और ये हो गया 999, क्लियर है सर? 999 भी हो गया है। लेकिन सर इसको अगर फॉलो किया जाए 0.DCAB के साथ में, ये सभी अंक है बोला गया है, और ये हो जाएगा 0.0279। सर यहाँ पे डी की वैल्यू सी की वैल्यू सारी निकल करके आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन ने ऐसा कहा है कि जिनमें से ये सभी शून्य नहीं है, लेकिन इसमें जो वैल्यू है सर, संगीता हाँ एक बार आप समझ लीजिए, हाँ जो भी होगा वो सर आपको कंफर्म कर देंगे, देखो वो सारी बातें अलग है, तो एक बार आप समझ लीजिए उसके बाद अपन बात करेंगे। सर ये सभी शून्य नहीं है, जबकि डी की वैल्यू ऑलमोस्ट शून्य आ रही है सर, वैसे अगर आप इसको शून्य मानते हुए सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि सर ए डी की बात करोगे तो ए और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, फिर सर बी सी की बात करोगे तो बी और सी यानी लास्ट वन एंड सेकंड वन 18, और सर ए प्लस सी कर दोगे तो इन दोनों को जोड़ के 9, तो 18/9 आपके आंसर आते हैं 2 आंसर। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये आपका पहला प्रश्न रहा भाई, बोलो क्लियर है क्या? सर अभी फेल आंसर का टांसन कहाँ है, पता नहीं क्या कह रहे हो भाई। सर बेरोजगारी की आगे पुलिस वैकेंसी सीईटी से बाहर होने चला है, पता नहीं भाई क्या कह रहे हो। सर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये सर सभी शून्य नहीं है, लेकिन डी की वैल्यू शून्य आ रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बोनस के ऊपर जाना चाहिए भाई आपका, ठीक है ना? यहां तक का ये प्रश्न आपका जाना चाहिए बोनस पे। और ऊपर बात करें तो सर नेक्स्ट पेज पे चले, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आए हैं सर आपके, लेकिन सारे प्रश्न एकदम बढ़िया आए सर। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में सजेशन क्लास जब मैंने दी थी, तब आपको मैंने पूरा पूरा सिखाया था कि सर पिघलाने वाले प्रश्न को आपको जरूर याद रखना है भाई, ठीक है ना? तो इसने क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर वाले को पिघला दिया और पिघला करके ऐसे ऐसे बनाए हैं, तो सर अपने पास में 4/3 πr³ है, 4/3 πr³ है, कॉमन अगर ले लिया जाए तो r³ हो जाएगा, ऐसे ही r³ हो जाएगा, इन दोनों से इसको काट दिया, इसकी वैल्यू सर देखो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं कहता हूँ 3 सेंटीमीटर वाले, ये नहीं बोला व्यास वाले, अर्धव्यास वाले या त्रिज्या वाले, तो आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए था हिंदी वाले को छोड़ करके इंग्लिश की लैंग्वेज, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, बोलो भाई क्लियर है क्या? रेडियस का मेंशन किया हुआ है भाई, ठीक है ना? जीके का सॉल्यूशन हो गया है भाई। 5 गलत है चेस्टा, वेरी गुड, कोई बात नहीं भाई, गलत हुए तो आपके अब 30 नंबर तो लाने, आपको केवल 30 नंबर लाके पास होना है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ सर, अब सर अपन आ जाते हैं वापस से अपने कंटेंट के ऊपर। सर ये रहा अपना क्वेश्चन, सर आर क्यूब की वैल्यू 3 यानी 27 दी हुई है, एक मिनट कितना दिया हुआ है भाई, 27 दिया हुआ है, आर वन की वैल्यू दिया हुआ है सर 1.5 का क्यूब करते हैं, तो सर 1.5 का क्यूब नहीं करेंगे हम सर, ऐसी वैल्यूज मैंने सिखा रखी है, डेसिमल हटा के नीचे सॉल्व कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। सर आर टू की बात करो, 2 दिया हुआ है, 2 का क्यूब 8 होता है, और ये आर क्यूब तो हमें पता नहीं, आर थ्री तो इसको इधर ले जाएंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 19, बोलो हाँ कि ना भाई? सर घटाओगे तो 19 हो जाएगा ना, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा सर 27/8, बोलो भाई क्लियर है कि मेरी बात, कितना हो जाएगा 27/8, ये 8 इधर जाएगा तो सर घट जाएगा इसमें से, और घटने के बाद ये आंसर आएगा, ये आ गया है सर सामने आपके आर क्यूब। इसको उधर सॉल्व कर देंगे, इधर सॉल्व करने पर ये कितना आ जाता है सर, एक बार इसको अगर मल्टीप्लाई आप कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने पर
152 आएगा, उसमें से आप इसको लेस कर देंगे तो 125/8 आएगा और ये हो जाएगा आर क्यूब के इक्वल। और जब आप आर क्यूब को सोल्व करोगे तो ये होता है 5 का क्यूब और ये होता है 2 का क्यूब, तो 2.5, यानी इसका आंसर जो है वो है 2.5। ये टिक लगा हुआ है गलत है, 2.1 नहीं है भाई, इसका आंसर कितना है भाई 2.5। सर 55 सही है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, 55 नंबर क्वेश्चन तो बहुत अच्छे होते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन सही किए आपने, वेरी गुड। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए भाई। हाँ महेश, हो सकता है भैया ना, आप इसका मैथ्स का देख लीजिए, आपको हिस्ट्री वगैरह के एक बार कंफर्म कर दिए जाएंगे भाई, ठीक है ना। सर अपन नेक्स्ट प्रश्न की अगर फिर से बात करेंगे, सर ये तो हमारा क्लियर हो ही गया है, इसमें आंसर आपने कितना बताया सर 2.5 मैंने इसका आंसर बताया, एक बार कंफर्म कर लीजिए सभी लोग भाई। हाँ सर 2.5 एकदम कंफर्म आंसर है। आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं सर, लाइए। हाँ सर एक प्रश्न ये भी है, देखो काफी अच्छा प्रश्न है सर, घनाभ की विमाएं दे रखी है आपको 5, 3 और कितना भाई 4, तो 5x, 3x और 4x बोले सर, टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे जितेंद्र सोलंकी देखो, इस प्रकार की पटलाइयां करना अच्छा नहीं है कि गलत बताए जा रहे, अगर आपको सही पता है तो आप सही बता दो, ठीक है, ऐसी पटलाइयां करने से कोई फायदा नहीं है भैया, ठीक है, समझ रहे हो। जितेंद्र कुमार सोलंकी यार, जो भी हो आप समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, एक फालतू का एजेंडा उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रे भैया, ठीक है, आप अपना भी टाइम खराब कर रहे हो बाकी लोगों का भी, समझ रहे हो भाई। हाँ आपको अगर सही पता है तो आप सही बोले, ठीक है, गलत बता रहे हैं आपको खुद को नहीं पता क्या सही है, सही है तो बताओ ना सही क्या है फिर यहाँ पे, ठीक है, तो फालतू पटलाइयां करने की जरूरत नहीं है भैया, उन फालतू चैनल्स पे जाओ जहां इस टाइप की पटलाइयां होती है, वही आपको ज्यादा अच्छा बता सकेंगे, है ना, क्योंकि आपके लायक उन्हीं हुए लोगों के साथ में। तो ये हो गया सर कितना, अपने साथ जुड़े केवल पढ़ने और परीक्षा के लिए गंभीर विद्यार्थी, सर इनके साथ अपन टाइम पास नहीं कर सकते हैं। सर ये हो जाएगा 20x² आएगा सर यहाँ सभी जगह पे, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है सर हमें, ये 1846 के इक्वल दिया हुआ है, इन सबको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो 2 × देखो सर एक बार पूरा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है सर आपके 47x² = 846। बोलो क्लियर है क्या सर, 2 से अगर इसको कैंसिल करो ये 4 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, 47 से इससे कैंसिल करो तो 9 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, x स्क्वायर बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी भैया 3, अब x की वैल्यू 3 है तो सर ये जो 5x था ना, ये 5x कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 3x जो है वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 4x कितना हो जाएगा 12, और आपको निकालना है इसका वॉल्यूम, घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है लंबाई चौड़ाई और कितना भाई ऊंचाई, बोलो भाई क्लियर है क्या, लंबाई चौड़ाई और कितना भाई ऊंचाई, तो सर इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 180 और मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना जाएगा 1620, कौन सा आंसर मैच होता है एग्जैक्टली सी ऑप्शन विल बी एक्यूरेट आंसर, बोलो भाई क्लियर है क्या, सी ऑप्शन विल बी एक्यूरेट आंसर, बोलो क्लियर है भाई मेरी बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, आगे चलते हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया, ये AKP क्लासेस आप अगर अच्छा पढ़ा सकते हो तो मोस्ट वेलकम भैया, बाकी हमारे सारे स्टूडेंट जो 20-22 स्टूडेंट 2 महीने में जुड़े वो अच्छी तरह आपको भी जानते हैं और हमें भी जानते हैं, तो इस प्रकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं, ये घटिया प्रकार की बातें हैं, आप चाहे तो अपना एक प्लेटफॉर्म पे आके और पधारिए ना, आप यहाँ पे आके पधारिए, आप आइए क्लास 24 में, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आप पढ़ाइए बच्चों को, ताकि बच्चों को भी पता लग जाए कि चोंच में और सोच में कितना फर्क होता है, चोंच कोई भी खो सकता है, सोच नहीं भी, ठीक है। लाओ सर नेक्स्ट प्रश्न की बात फिर से अपन कर लेते हैं, यहाँ पे एक और प्रश्न है सर मैथ्स का, इसका सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक अच्छा प्रश्न था सर, यहां लिखना है 3 की घात कितना भाई 2x माइनस कितना भाई 10 और 3 की घात 4 लिखेंगे सर इसे 81 को, तो बाहर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा सर माइनस का कितना 12 इक्वल में सर 1/9 है, 9 होता है 3 raised to the power 2, ऊपर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा, तो ये -2 भी कर दिया सर, यहां पे इन सबका सम करोगे तो ये हो गया 10x माइनस कितना 22 बराबर कितना है भाई -2, तो ये हो जाएगा 10x और ये इधर हो जाएगा कितना भैया 22 - 2 यानी कितना भैया 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो सर ये आपका आंसर है सेकंड ऑप्शन, बोलो भाई क्लियर है क्या, आपका आंसर क्या है भाई थर्ड ऑप्शन 1/2 आपका एग्जैक्ट आंसर है, बोलो भाई क्लियर है क्या। और जितने भी अपने आपके अंदर बहुत सारे आत्मज्ञानी है तथा कथित, रुक जाइए एक मैथ्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बताना मेरे भाई जरूर, है ना, जरूर बताना, आप सारे यहीं रुक जाओ मेरे भाइयों, जितने भी देख रहे हो ना इनके कमेंट को पढ़ के इनसे एक बार पूछ लेना कि सर आंसर तो बता देते क्या है, तो वो मुझे बता के जाना क्योंकि वहां प्रॉब्लम है भाई, है ना। चलो सर कोई बात नहीं, हो जाते हैं ऐसे कभी कभी, कुछ चीजें चाही होती है कुछ अनचाही होती है, तो ये अनचाही चीजें हैं, है ना। सर सुनिए, ये जो एक प्रश्न है आपका, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है वैसे तो, लेकिन सर इसमें एक प्रॉब्लम है,
मैं आपको बता दूं सर, इसमें डेटा क्या है सर, मिसिंग है। आपको सर ये न्यूनतम प्राप्तांक हटाने के बाद में एक डेटा और देना चाहिए था, ये क्वेश्चन पूरा पूरा टोटली बोनस जाएगा। हाँ, और अगर इसका आप आंसर से बताते हैं कि सर एक हिट एंड ट्रायल लगाया जाए, तो इसका आंसर सर 17 होना चाहिए, क्योंकि बचे अगर आप न्यूनतम प्राप्तांक और अधिकतम प्राप्तांक को हटा दोगे तो सर हटाने के बाद में 12 लोगों का जो प्राप्तांक आ रहा है वो टोटल 88 आ रहा है। इसमें से अगर आप 79 को हटा दोगे तो ये हो गया सर 1089। अब इसमें से घटाने के बाद में संख्या 12 से पूर्णतया विभक्त होनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले और दूसरे दोनों हटा दिए, तो सर इसमें से केवल 17 ही आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट अभी तक। तो बाकी ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। बोलो भाई क्लियर है क्या? इनकम्प्लीट। हाँ भाई, वो नदी का बेसिन जो है वो बनास का है, ज्यादा से ज्यादा जो बेसिन है वो किसका है भाई? बनास का है वो बेसिन भाई, ठीक है ना? वो लास्ट में सर ने कंफर्म कर दिया था, वो बेसिन बनास का है। सर इसकी बात करें तो आपको शायद याद होगा भोले प्राणियों, मैंने आपको जाते जाते ये कहा था कि सर आप जब पढ़ करके जावें तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को जरूर से ठीक से देख करके जावें सर, क्योंकि सर ये मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रश्न जो आपका है ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। सर्वाधिक बारंबारता वाले को बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं F2, और ये है सर आपका वर्ग अंतराल, इसका फॉर्मूला Z होता है सर। लास्ट क्लास में देखना मैंने सजेशन दिए थे कि आप ये पढ़ के जरूर जाना, इस पे आएगा F0 एंड डिवाइडेड बाई कितना 2F1 F0 एंड F2। बोलो क्लियर है क्या? और ये कितना है H? यहाँ L की वैल्यू 60 है सर। सर यहाँ बात करोगे F1 की वैल्यू 45 है, F0 की 18 है, 2F1 की बात करोगे तो 90 माइनस 18 माइनस कितना है 16, और ये कितना है भाई 5। सर यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर प्लस लगा लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखानी थी, क्योंकि डिवाइड करने अगर बैठते तो बिल्कुल खत्म हो जाता। बोलो भाई क्लियर है क्या? डिवाइड करते तो बिल्कुल खत्म हो जाता। तो ये कितना हो गया सर 27 हो गया है, ये हो गया है सर 57 एंड मल्टीप्लाई बाई कितना भाई 2। अब सर अगर आप इसको परफेक्टली डिवाइड करोगे ना तो 56 का भाग लगाने में आपका माथा खराब हो जाएगा, ये पक्की बात बोल रहा हूं मैं आपको। ना आपको पहाड़ा आता, छक्का मिकम 56 ही आता है, दूसरा भी नहीं आता। कोई बात नहीं सर, थोड़ा ध्यान से सुनो, इसको मान लो 27 और इसको मान लो 54, दो बार काट दिया सर, लमसम दो बार काट दिया मैंने तो। बोलो हाँ कि ना भाई? और 2 से 5 को काट दिया 2.5 टाइम्स, तो नियर अबाउट आंसर, सारे के सारे मंद बुद्धि देख ले, मैंने नियर अबाउट लिखा है, आपको आता नहीं मैंने बता दिया, जो समझदार लोग हैं वो मेरी बात को डायरेक्टली समझ जाएंगे, है ना सर? ये कितना हो जाएगा 62.2। अब एक बार अपन ऑप्शन चेक करते हैं, 62.2 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ये रहा सर 62.4, आपके 62.5 के आसपास, इसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, बैंक में अक्सर ये किया जाता है, ठीक है ना? अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसे, बैंक में करते हैं भाई। बोलो क्लियर है कि भाई मेरी बात? हाँ, ये हो ना, देखो कुलदीप मेघवाल अपने टैलेंट का परिचय दे रहे हैं, एक बार आप भी इनके कमेंट पढ़ें ताकि इनको भी शांति मिले कि हाँ सर हम भी ठंडे हुए, उनकी उंगलियों में इतना ही जोर है कि ये सारे काम ये कर सकते हैं भाई, है ना? चलो सर कोई नहीं, होते हैं ऐसे, दिक्कत हो जाती है कभी कभी सर। एक ये अच्छा प्रश्न था सर, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात इन्होंने की है। यार तुमको बेइज्जती करवानी क्यों आते हो सर? ऐसे ऐसे आ जाओ ना, बेइज्जती करवानी हो तो या ऑनलाइन बेइज्जती करवाते हो तो आके। हाँ ऐसा नहीं है भैया, देखो जब कोई अच्छा काम होता है तो इस प्रकार के कांटे बीच में आते हैं, तो क्लास 24 की ग्रोथ देख करके इन सब की जल रही है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसा कहना पड़ता है अभी सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो तो ये पाई आर एल होता है सर, है ना? पाई आर एल, और सर उसके नीचे भी एक पृष्ठ होता है, इसको पाई आर स्क्वायर कहते हैं। ये समतल पृष्ठ है, ये त्रियक पृष्ठ है, यानी वक्र पृष्ठ की बात करें, वैसे इसको वक्र नहीं बोला जाता, इसको त्रियक पृष्ठ बोला जाता है। वक्र पृष्ठ रेगुलर होता है, त्रियक अलग होता है, इन्होंने वक्र लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। अब सर आप आर की वैल्यू यहां पुट नहीं करें, क्योंकि ये वैल्यू तो आपसे पूछी है पूरी पूरी, ये सर थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप फॉलो करते तो ईजी वे में बन जाता। सर इसकी बात करोगे तो ये पाई आर एल यहीं पर रख लेते हैं अपन, ऐसा का ऐसा पाई आर एल, ये हो गया 22/7 × 14 × 14। बोलो भाई क्लियर है क्या? बराबर कितना 1760, कैंसिल करोगे तो कितना 2, तो ये हो गया 28, 28 को इधर गुणा करोगे तो 606, तो सर ये हो गया आपका पाई आर एल 1760 माइनस 606। जब आप इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आएगा आपके 606 नहीं आएगा सर, 616 आएगा, 1144। तो इसका आंसर रहेगा डी, सी ऑप्शन। कितना आंसर रहेगा सर? सी ऑप्शन। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल, आप समझ गए सर, बिल्कुल आप समझ गए सर, ये ऐसा ही कुछ हो रहा है इनके साथ में, है ना? कोई बात नहीं भाई बिल्कुल सर ऐसा ही हो रहा है सर। 22 का गलत क्यों कराया? बलराम सारण भोले प्राणियों महान विज्ञप्ति हो आप, मेरे को विज्ञान के ज्ञाता हुआ, आप सही आंसर बता दो ना, गलत क्यों कराया वो मत पूछो, आप सही बता दो, मैं अपने बोल के अभी सही करवा देता हूं आपको भाई, है ना?
भाई ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपकी फैकल्टीज ने बताया, जो भी डाउट है बाद में अपन वापस क्लियर कर लेंगे भाई। अभी आपके वो आंसर्स हैं, जिन लोगों के पेपर्स थे उनके मैंने पेपर बता दिया, जिन लोगों का 17 तारीख को था वो बिल्कुल तसल्ली सुन रहे, और जो फालतू है ना वो तो यही काम करते हैं यार, और क्या करते हैं यार, समझ रहे हो भाई, फालतू है वो यही काम करते हैं सर। हाँ, ओनली आंसर बता दिए भाई मैंने। शंकर पटेल, देखो आपको मैंने यही बताया कि उसके पहले वाला जो प्रश्न था ना उस प्रश्न में दिक्कत है सर, अभी भी आगे शायद मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है भाई आपके। हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन इनफ हो गए सर। अब सर मैं आपको बता दूं एक बार, बहुत तसल्ली से आप मेरी बात सुनिएगा, जितने भी लोग अब रीट की कर रहे हैं प्रिपरेशन वो सुन लीजिए सर, रीट का कंप्लीट टाइम टेबल मैं बता देता हूं। ये सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर चल रही है भाई, ये सारी क्लासेस रीट के लिए यूट्यूब पर चल रही है, जो कि ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीटली फ्री है विद टेस्ट सीरीज सर। 8 से 9 आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास होती है आपकी, ठीक है, 8 से 9 शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास होती है सर। 9 से 10 जो क्लास होती है वो आपकी ज्योग्राफी की होती है, उसके बाद में सर 2 घंटे का ब्रेक है, खाना पीना करके वापस आ जाओ। 12 से 1 आपकी मैथ्स की क्लास होती है, जिन लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम है वो साथ साथ जुड़ते जावे। फिर सर 1 से 2 आपकी राजस्थान हिस्ट्री, सर जितने भी लेवल सेकंड वाले हैं साइंस मैथ्स वाले स्पेशली पढ़ लेना राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद में 2 से 3 आपकी क्लास होती है हिंदी की। सर ये शेड्यूल है पूरा पूरा आपके रीट का, क्योंकि सर इनसे आप कर सकते हो सब कुछ कवर। बोलो भाई क्लियर है क्या? इंग्लिश के सर अभी आज अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन हमने आपको करवाई नहीं है भाई, ठीक है। गलत करवाने से ज्यादा अच्छा है कि नहीं करवाएं, आपका आंसर आपको पता लग जाएंगे जल्द से जल्द। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ सर, जल्द से जल्द। सर 5 महल अकबर ने बनवाया था, हो सकता है भाई 5 महल अकबर ने बनवाया हो, एक बार सर से और डिस्कस करेंगे, अभी सर आएंगे आपके, वो खुद भी एग्जाम देने गए हुए, तो आपका सर ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ सर जो लोग सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले एक बार वो भी मेरी बात सुन लीजिए, सीईटी के लिए सर एक बैच अपना लॉन्च हो चुका है। मैं अभी आपको बता देता हूं भाई जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वही वो चैनल को एक बार जितने भी लोग चैनल पे नए हैं भाई वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो लोग सीईटी पढ़ रहे हैं सर 17 को पेपर है, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग देख सकें, बिल्कुल भाई संतोष मालविया मैं आपको बता देता हूं, अभी इसके बाद एक सेशन करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लास्ट क्लास में मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन बताए हुए कि कौन से क्वेश्चन आपको देख करके जाने चाहिए, और उनमें से 3 क्वेश्चन तो आपके आराम से, 3 नहीं 4 क्वेश्चन तो आराम से मैच हो गए कि सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या? 18 नंबर बताएं, विजेंद्र चाहते हैं 18, एक मिनट बताया था। सर देखो सीईटी के लिए महाराणा बेच लॉन्च हो चुका है सर। महाराणा क्या है सर? महाराणा एक ऐसा बेच है जो ऑथेंटिक है, सिर्फ और सिर्फ सीईटी के दोनों एग्जामिनेशंस के लिए सर, सीईटी का ग्रेजुएशन का पार्ट हो चाहे 12th पास का पार्ट हो सर, ये दोनों ही कोर्स आपको 1999 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। आपको अलग अलग फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही फी में दोनों कंटेंट आपके पूरे पूरे कवर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? तो जिन लोगों को भी सीईटी के लिए कोर्स करना है, अपने फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए, या फिर अपने कोई रिलेटिव के लिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्लास 24 आपनो राजस्थान प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां जाकर के आप जब इसको लॉग इन कर लेंगे, लॉग इन के बाद आप बटन दबाएंगे प्रिपरेशन का, वहां ऑप्शन आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद आपको क्लिक करना है सीईटी पर, सीईटी के बाद आपको मिलेगा महाराणा बैच। मैं फिर से कहता हूं सबसे ऑथेंटिक बैच अभी तक का महाराणा बैच भाई, और उसको जाके आज आप बायराउंड पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सर आपका ये कोर्स आपके मोबाइल में हो जाएगा लॉगिन आपके लिए, और सीईटी की प्रिपरेशन करेंगे हम बहुत जल्दी। रीट की सभी क्लासेस यूट्यूब पर चल रही है, शेड्यूल मैंने पूरा पूरा बता दिया है। बोलो भाई क्लियर है क्या? वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, सो सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 किसका था भाई, एक बार मैं देख लेता हूं, 18 अगर कुछ है तो ऐसा करके क्वेश्चन नंबर 18 भाई आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का ही बता देंगे, वैसे 2 आंसर आएगा इसका भाई, दोनों का डिफरेंस और दोनों का डिफरेंस है, 2 आंसर आपका मैच रहेगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो अभी के लिए इतना मैंने आपको सबको बताया, जितने भी लोग रेडी हैं अभी तैयार हैं, अगर आप हमारे कराई हुई चीजों से संतुष्ट हैं तो महाराणा बैच को ज्वाइन करें। क्लासेस को और देखने के लिए क्लास 24 आपनो राजस्थान को आज ही करें सब्सक्राइब, और एक बार चैनल को कर दें भाई फटाफट फटाफट सभी लोग लाइक कर दें। बोलो भाई क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मुलाकात होगी आपसे अपग्रीम।